हरियाणा के झज्जर जिले के गांव माचरौली में दिन दिहाड़े हुई पंजाब नेशनल बैंक डकैती की वारदात के बाद उसका वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना का यह वीडियो कुछ घंटों के बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से सिर व चेहरे पर काला कपड़ा ढककर यह बदमाश बैंक में घुसते हैं और कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद साफ बचकर निकल जाते हैं। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि बदमाशों ने बैंक के अंदर घुसते ही फायरिंग की, जिसके बाद बैंक में मौजूद सभी ग्राहक सहम जाते हैं और डर कर बैठ जाते हैं। भय का माहौल इस कदर व्याप्त होता है कि वहां मौजूद कर्मचारी भी डरे और सहमे से बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई पूरी घटना को देखते रहते हैं और ना तो ग्राहक और ना ही बैंक कर्मचारी अपना हौसला बदमाशों के सामने दिखा पाते हैं। घटना के दौरान ही इन्हीं बदमाशों का एक साथी हथियार लेकर सीधा कैशियर के पास पहुंच जाता है और वहां पर रखे नोटों के बंडलों को समेटते हुए निकलता है। बाद में सभी घटना के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है, जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं इस वारदात के बाद से बैंक कर्मी और बैंक में मौजूद ग्राहक काफी सहमे हुए से हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।